श्रीराम सेना हिंदुस्तान अजमेर के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल सोनी ने बताया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देश के लिए बलिदान बहुत महत्वपूर्ण था। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बयां करती है। ऐसे समय में जब एक एक कर राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रहे थे, तब यह रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे। जिनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंचिल स्थित झलकारी बाई स्मारक पर फूल माला से श्रद्धांजलि अर्पित की। जी सर, क्या करा आज आपने? आज हमने झांसी की रानी के दिन में शहीद हो दी जो देश के लिए कुर्बान हो गई, आज हमने माला पहनाकर सम्मान किया गया। और हम चाहते हैं कि इसी तरह महिला एक झांसी की रानी लड़े देश के लिए, तो हमें बहुत गर्व की बात है। और हम झांसी की रानी के यादगार पे जिन कार्यक्रम बनाए गए हैं, इसी तरह श्रीराम सेना हिंदुस्तान अजमेर के अंदर में ऐसे कार्यक्रम और चलते रहेंगे, करते भी रहेंगे। और आज जो झांसी की रानी के दिन पे इनकी यादगार कर रहे हैं, क्या हमें बड़ा दुख है कि हमारी झांसी की रानी इस दुनिया में नहीं है, अपन उनकी याद में हम चल रहे हैं। आज पूरे राजस्थान के अंदर में झांसी रानी का त्यौहार बनाया जाता है, कोई भगवा रैली, कोई संगठन। आज हम ही सभी हिंदू भाई मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम करें झांसी रानी के, और आगे से इसी तरह चलता रहेगा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।